भगतपुर ब्लॉक के वार्ड नंबर 36 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी फिरोज इंजीनियर ने कई गांवों में जनसंपर्क कर लोगों से सहयोग मांगा है। बताते चले कि जनपद में 26 अप्रैल को तीसरे चरण में मतदान संपन्न कराया जाएगा, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। प्रत्याशी गांव-गांव घूमकर जनता से जनसंपर्क कर अपने हक में वोट करने की अपील कर रही हैं। इसी कड़ी में भगतपुर ब्लॉक के वार्ड नंबर 36 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी फिरोज इंजीनियर ने वार्ड नंबर 36 के कई गांवों में घूमकर जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा कि वे हमेशा से जनता की सेवा करते आए हैं, इसलिए इस बार उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतकर जनता की सेवा करने का फैसला लिया है। जनसंपर्क के दौरान जगह जगह फिरोज इंजीनियर का ग्रामीणों द्वारा फूलमालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रत्याशी फिरोज इंजीनियर को भरोसा दिलाया कि वे लोग पूरी तरह से उनके साथ हैं और आने वाले चुनाव में अपना वोट उन्हीं को देंगे। बहुत अच्छी उम्मीद है, बहुत बढ़िया चल रहे हैं क्षेत्र में ये, और हम सब लोग इनके साथ हैं पूरे दिल और जान से। लगभग 60% उनका इलेक्शन होना है। कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव सरसमग है। पूरे गांव के लोग? जी पूरा गांव इनके साथ। फिरोज के लिए हम पूरा समर्थन दे रहे हैं और सभी हमारी उम्मीदें हैं कि फिरोज भाई हमारे 60% से ज़्यादा कामयाबी मिल रही है। सभी क्षेत्र सभी गांवों में हमें जो है सभी लोगों से हमें सम्मानित वोटों की पूरी उम्मीद मिल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी के साथ हमारे फिरोज भाई कामयाब हो। डॉक्टर साहब के लिए पति ये लड़ रहे हैं, उनके लिए तान वाले से सब चीज़ से तैयार हैं। ऐसा नहीं है, समर्थन बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा इलेक्शन भी बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं है, बहुत प्यार से हो रहा है और बाद में साथ में है और सभी मतलब बहुत प्यार से मतलब हर बिरादरी मतलब इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई साहब वो नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है इनके अंदर। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात पाई गई, मतलब बिरादरी के ऊपर किसी के मतलब कोई जिक्र नहीं आ रहा। बिल्कुल, दिल और जान से लड़ा रहे हैं पूरी उम्मीद के साथ। जितने लोगों पे वोट आएंगे इतने वोटों से हमारी जीत होगी। बहुत बढ़िया, क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में, कैसी छवि की है? बहुत बढ़िया छवि है, मजबूत शानदार जानदार हर तरीके से हम इनके साथ हैं और हमारा गांव साथ है, क्षेत्र साथ है हमारा, और प्लस हमारे जो सर्वोपरि डॉक्टर साहब हैं इनके चाचा, उनके ताई जान माल से बिल्कुल तैयार हैं। वोट तो बहुत छोटी सी चीज़ है, वो तो देना ही है। तो वहीं प्रत्याशी फिरोज इंजीनियर ने कहा कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो वे मरते दम तक जनता की सेवा करते रहेंगे। इसके अलावा जो विकास आज तक वार्ड के गांवों में नहीं हुआ उसे पूरा कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। अभी तो सुबह हम रानी नांगल गए थे, अब ये हमारा सिरसमा दूसरा गांव, अभी सुबह सुबह का टाइम है। कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है हमें क्षेत्र में, जनता बहुत बढ़िया हमारा सहयोग कर रही है, सारी जनता हमारे साथ है। लोग लगे हैं कुछ है, मतलब कौम परिस्थिति पर इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन सारे बिरादरी सारे धर्म सब लोगों के सहयोग हमें मिल रहा है। इस बार पूरी जनता हमारे साथ है। हमारा सिरसमा है, ये सिरसमा घोषियान, यहाँ कोई भी है, चाहे वो जाटव हैं चाहे यादव हैं चाहे कोई भी बिरादरी है मुस्लिम है, सारे लोग एकजुट होकर हमें सहयोग कर रहे हैं यहाँ पर। आप अपना मुकाबला किससे मानते? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, कोई हमारे करीबी नहीं है, सब बहुत पीछे हमसे। 50% हम लड़ रहे हैं, बाकी 50% में सब टोटल प्रत्याशी जितने सब 50% में लड़ रहे हैं। वार्ड 35 की जनता से क्या कहना चाहते हैं? 36 की जनता से क्या कहना चाहते हैं? वार्ड 36 की जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या किसी की अफवाहों में ना आए। कुछ लोग अभी हमारे ये एरिकेशन के इसके सिंचाई विभाग के काम चल रहे हैं नहरों पर, तो कुछ लोग उन्हें बता रहे हैं इन्हें मैं करा रहा हूँ, वो पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, एक ही जगह नहीं चल रहे हैं, पूरे प्रदेश में सिंचाई विभाग ने जहाँ उनकी पुलियाँ टूटी हैं नहर की, उसकी मरम्मत के लिए टेंडर निकाले थे पिछले महीने, तो वो सारे काम लगे हैं पूरे प्रदेश में। अब कुछ प्रत्याशी जनता को भड़का रहे हैं क्या ये मैं बनवा रहा हूँ, ये मैं बनवा रहा हूँ, ये इनके काम नहीं होते हैं। सिंचाई विभाग में जिला पंचायत सदस्य का कोई काम नहीं होता, वो जनता को ये देखना है बस, खाली झूठी अफवाहों में नहीं आए और अपना देखें, जो अच्छा प्रत्याशी हो बढ़िया मतलब ईमानदार हो शिक्षित हो उसको सहयोग दें। हमें बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है जनता का, सारा हमारा हमारे गांव लगभग सारे हमारी बहुत जानकारी है, बहुत बढ़िया जानकारी है हमारी गांवों में। हम और भी हमारे चाचा डॉक्टर मुस्तफ़ा हैं, काफ़ी फेमस हैं क्षेत्र में, कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ लोग उन्हें जानते नहीं हैं, सहयोग नहीं मिल रहा, टोटल लोग उन्हें सहयोग कर रहे हैं डॉक्टर साहब को और हमारा भी सहयोग कर रहे हैं साथ में। ठीक, और डॉक्टर